परमाणु का वार्ड नंबर एक विकास में सबसे पीछे है। ये वार्ड नंबर एक निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर एक जहां वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसी वार्ड में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जिसके चलते लोगों को काफी हानि उठानी पड़ रही है। परमाणु वासियों ने कहा कि वार्ड नंबर एक की हालत को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि इस वार्ड में कभी विकास हुआ ही नहीं है। सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद, जिन पर इस वार्ड के विकास की जिम्मेवारी थी, वे अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा नहीं पाए। स्थानीय लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि वार्ड नंबर एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ की सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे देखे जा सकते हैं, यही गड्ढे अक्सर इस वार्ड में दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर एक में चारों ओर अगर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ विकास नहीं दिखाई देता, सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, रात को स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ चुनाव है तो उन्हें उम्मीद है कि इस वार्ड को कोई विकास करने वाला पार्षद मिलेगा। नहीं, मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सड़क जो है, ये हमारा वार्ड नंबर एक है परमाणु का, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज काफी है और ट्रैफिक बड़ा हैवी ट्रैफिक रहता है और दूसरे भी जो है लाइट व्हीकल्स भी आते हैं यहाँ पे, तो ये सड़क का जो दृश्य है बहुत ख़राब है। तो हम यही चाहेंगे यहाँ की कमेटी से और जो यहाँ के वार्ड मेंबर है एग्जिस्टिंग, और भी चुनाव भी बिल्कुल सर पे हैं, 10 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, तो ये ताकि इस पे ध्यान दिया जाए और सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होगा तभी तो जो है हालात सुधरेंगे। और ख़ासकर यहाँ इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इस एरिए में। हमारा सामने बल्कि ऑफिस है कंपनी का, केमी प्लस इंडस्ट्री का, तो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो हम रोज ये देखते हैं कि काफ़ी बुरी स्थिति में जो है यहाँ पे ट्रैफिक निकलता है। तो आने एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हुए हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं, एक्सीडेंट से भी परसों काफ़ी हमारे सामने यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो काफ़ी हैवी व्हीकल्स आते हैं, ट्रालाज आते हैं बड़े बड़े, उन्होंने हिट किया, 2-3 गाड़ी बड़ी डैमेज हुई है यहाँ पर। तो ये काफ़ी हालत बहुत ख़राब है, खासकर इस वार्ड की और इस सेक्टर एक में जो ये एरिया है। तो उसके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जनरली यहाँ जो कमेटी है जिसका विकास का काम रहता है किसी भी शहर का या नगरी शहर, और अच्छा बजट आता है कमेटी के अंदर, तो हम आपके माध्यम से यही बात कमेटी तक पहुँचाना चाहेंगे या दूसरे जो हमारे यहाँ के वार्ड मेंबर है या आगे जो यह है कि वो ध्यान दें और इस सड़क का सुधार करें। सर सही बात है, ये रोड देख ही रहे हैं आप, यहाँ कुछ छुपा नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी या कुछ भी बार बार एक्सीडेंट होता ही रहता है थोड़ा बहुत, या बंदे गिर भी जाते हैं। और जहाँ तक आप रोड की बात कर रहे हैं तो यही नहीं है, आप जहाँ कहीं भी जाइएगा थोड़ा बहुत गड्ढा मिलता ही रहेगा, जर्जर हालत है। मैं यहीं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि ये रोड जितने भी है जहाँ तहाँ टूटा है सबका रिपेयर दोबारा करवाया जाए, क्योंकि इससे बहुत क्षति है और जनता के लिए बहुत नुकसान है। जी, समस्या आ रही है, मानिए कि गाड़ी इधर से हो या परे से हो, कहीं से भी आ रही है तो उलटने का या पलटने का या एक्सीडेंट होता रहता है, इसे सभी के लिए दिक्कत है। सरकार से यही है कि सबका मरम्मत कराए बराबर। सर, मैं यही परमाणु का निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ रोड की हालत बहुत बुरी है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये देखिए रोड की हालत कैसी है यहाँ की,